हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, देनी होगी अब ज्यादा ईएमआई। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक और पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक दोनों ने अपने एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ टेन्योर के लिए ब्याज दरें कम की है, तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने सभी टेन्योर के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एमसीएलआर की नई दरें 1 जून से लागू हो गई है। बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक का एक महीने का एमसीएलआर 8.50% से घटाकर 8.35% हो गया है। वहीं 3 महीने का एमसीएलआर 8.55% से घटकर 8.40% हो गया है। इसके अलावा बैंक ने 6 महीने और 1 साल के टेन्योर के लिए ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी भी की है। इस बढ़ोतरी के बाद 6 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर 8.75% और 1 साल की अवधि के लिए 8.85% हो गया है। आपको बता दें कि एमसीएलआर वह मूल ब्याज दर होती है जिससे कम ब्याज दर पर बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। उड़ानों का किराया बढ़ा, दिल्ली टू मुंबई से सस्ता है दिल्ली टू दुबई की फ्लाइट। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और घरेलू उड़ानों का किराया अचानक से आसमान छूने लगा है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि दिल्ली से मुंबई पहुंचने के मुकाबले दिल्ली से दुबई पहुंचना अब ज्यादा सस्ता है। 1 जून को दिल्ली से दुबई के लिए फ्लाइट का किराया 14,000 रुपये था, वहीं मुंबई जाने के लिए वन वे नॉन स्टॉप फ्लाइट का किराया 19,000 रुपये था। इसी तरह से अगर आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो दिल्ली से काठमांडू का किराया करीब 5,000 से 7,000 रुपये के बीच है, जबकि देश के अन्य महानगरों और दूसरे जगहों पर जाने के लिए किराया ज्यादा देना पड़ेगा। दिल्ली से अगर देश के अन्य शहरों का एयर टिकट 24 घंटे पहले बुक कराना चाहेंगे तो उसकी कीमत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन घरेलू उड़ानों का टिकट प्राइस इंटरनेशनल फ्लाइट से भी ज्यादा है। चेन्नई जाने के लिए आपको 19,000 से 23,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वहीं कोलकाता का टिकट 13,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के बीच में मिल रहा है। यहां तक कि पटना का किराया दिल्ली से करीब 13,000 रुपये से 14,000 रुपये है और दरभंगा का किराया 17,000 रुपये के करीब है। कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा किया, सिद्धरमैया कैबिनेट की 5 गारंटियों पर मुहर। खबर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से किए गए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि हमने आज कैबिनेट की बैठक की और इस दौरान राज्य की जनता से किए गए सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की। हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। कर्नाटक के सीएम ने यह भी कहा कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2,000 रुपये महीने, 10 किलो मुफ्त चावल, बेरोजगारों को भत्ता और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा जैसे वादे शामिल हैं। राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम, कहा 9 जून तक ब्रिजभूषण की नहीं हुई गिरफ्तारी तो देश भर में होंगे प्रदर्शन। पहलवानों के विरोध के समर्थन में आयोजित खाप पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम मामले पर चर्चा शुरू करने के लिए सरकार को 9 जून तक का समय दे रहे हैं। 9 जून के बाद इन बेटियों के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन और पंचायती होंगी। ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पहलवान बेटियों को वहीं धरने पर बैठाया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के पास अभी समय है, नहीं तो देश भर में आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में अब तक 50 लोगों की गई जान, 350 से ज्यादा लोग हैं घायल। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में अब तक 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दरअसल हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। 600 से 700 रेस्क्यू फोर्स के जवान काम कर रहे हैं। रात भर
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से चोटिल हुए लोगों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो लगातार बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब के कार्यक्रम के दौरान केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी को हिंदू पार्टी बताते हुए डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग से आपका समझौता है। इसके बारे में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी करार दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि इसमें कुछ भी गैर धर्म निरपेक्ष नहीं है, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर विपक्ष की भूमिका को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। राहुल गांधी से पूछा गया था कि भारत में विपक्ष कितना मजबूत है और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और हम इसके लिए सभी विपक्षियों से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत के पास बहुत मजबूत व्यवस्थाएं हैं जो पहले से मौजूद है, वह व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए तो ये मसले अपने आप सुलझ जाएंगे। आपके पास संस्था का एक स्वतंत्र समूह होना चाहिए जो दबाव और नियंत्रण में न हो। मणिपुर में दिखने लगा अमित शाह का असर, 140 हथियारों के साथ उग्रवादियों ने किया सरेंडर। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहां अलग अलग जगहों पर 140 हथियार सौंपे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कई बैठकें करने के बाद शांति का मार्ग निकालने की पुरजोर कोशिश की थी। शाह ने लोगों से शांति की अपील की थी और इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर के हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की 4 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद राजधानी दिल्ली लौटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन समझा जा रहा है कि शाह ने इस दौरान मुर्मू को मणिपुर की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और शांति बहाल करने के प्रयासों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी। पहली एफआईआर से हुआ बड़ा खुलासा, महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की 10 घटनाओं का है जिक्र। 6 महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने 2 प्राथमिकी में यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाओं का उल्लेख किया है, जो उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर की है। 28 अप्रैल को जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उनमें अनुचित स्पर्श और छेड़छाड़ की कम से कम 10 घटनाएं शामिल हैं, जिसमें छाती पर हाथ चलाना, नाभि को छूना और डराना धमकाना शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इनमें पेशेवर मदद के बदले सेक्सुअल फेवर की मांग करने वाले 2 मामले भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार बृजभूषण पर दोनों प्राथमिकी में धारा 354 महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य मंशा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि पहली प्राथमिकी में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप दर्ज हैं और इसमें WFI सचिव विनोद तोमर के नाम भी उल्लेखनीय है, जो कि दूसरे FIR में एक नाबालिग द्वारा दायर की गई है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 का जिक्र किया गया है। प्राथमिकी में जिन घटनाओं का कथित रूप से उल्लेख किया गया है वे 2012 से 2020 तक भारत और विदेशों में हुई हैं। देश में रिकॉर्ड तोड़ UPI ट्रांजैक्शन, मई में 900 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। खबर है कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है। देश में मई महीने में UPI से 900 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने डेटा जारी करके इस बात की जानकारी दी है। आंकड़ों के मुताबिक मई में कुल 941 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी टोटल वैल्यू 14.3 लाख करोड़ रही। NPCI के मुताबिक UPI से किए गए ट्रांजैक्शन के टोटल वॉल्यूम में 58% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये संख्या मई 2022 में 595 करोड़ रही थी। वहीं अप्रैल में हुए ट्रांजैक्शंस की बात करें तो UPI पर कुल 386 करोड़ पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स हुई थी, वहीं पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन 503 करोड़ रही थी। अभी आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही
पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि अगले 3 साल में यानी कि 2026-27 तक हर दिन 1 अरब UPI ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। इस वजह से कुल डिजिटल पेमेंट में UPI का हिस्सा बढ़कर 90% हो जाएगा। पॉक्सो में बदलाव की मांग के साथ होने वाली बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या रैली हुई रद्द। खबर है कि WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या रैली रद्द कर दी गई है। पहलवानों ने 66 वर्षीय सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में 2 प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि अपनी रैली के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि वह 5 जून को साधुओं के आशीर्वाद के साथ एक रैली आयोजित करेंगे। सिंह ने कहा था कि पॉक्सो अधिनियम जिसके तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उसको बदलने की जरूरत है। वहीं अयोध्या के एक भाजपा नेता संजय शुक्ला ने कहा कि पार्टी का रैली से कोई लेना देना नहीं है और इसे साधुओं ने बुलाया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 1 दिन के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें शनिवार की सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की राहत देते हुए कहा कि वह इस दौरान अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान मनीष सिसोदिया पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, गलती वही इंसान करता है जो मेहनत करता है। बाकी निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही निकल जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।